जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम शेखर कुमार चौहान, मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फायर की वीडियो शेयर करता हूं और मैं फिर से आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। किसी भी गैस के लिए LEL और UEL, लोअर एक्सपोजर लिमिट और अपर एक्सपोजर लिमिट। देखिए, लोअर एक्सपोजर लिमिट हम किसे कहते हैं और अपर एक्सपोजर लिमिट हम किसे कहते हैं। देखिए, कहीं पे भी अगर कोई गैस रिलीज हो जाती है तो अगर उसकी मात्रा हमें कम से कम मिलती है तो उसको LEL बोलते हैं, और अधिक मात्रा में मिलती है तो अपर एक्सपोजर लिमिट बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि LEL और UEL में क्या डिफरेंस होता है। एक गैस होती है मीथेन, मीथेन की जो LEL होती है वो 5% होती है और UEL होती है 15%, यानी उसकी जो एक्सप्लोजिव लिमिट है वो 5-15% होती है। यानी मान लीजिए कहीं मीथेन गैस रिलीज होती है, अगर वो 5% रिलीज हो रही है तो उसमें आग लग सकती है। अगर 5 से कम होगी, 5 से 4.5 होगी, 4.5 होगी या 4.8 होगी, तब भी नहीं लगेगी। वो इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, गैस की मात्रा कम होगी और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी। तो इसलिए जो फ्लेमेबल गैस होती हैं उसकी LEL होती है और UEL होती है। LEL बोलते हैं लोअर एक्सपोजर लिमिट। तो मीथेन गैस की लोअर एक्सपोजर लिमिट होती है 5%, यानी मेरे पास 5% गैस रिलीज हो रही है और 95% ऑक्सीजन है तो आग लग सकती है। और UEL में क्या होता है, अपर एक्सपोजर लिमिट जिसको हम बोलते हैं, उसमें यह होता है कि मेरे पास 15% मीथेन गैस रिलीज हो रही है और 85% ऑक्सीजन है, तब भी आग लग सकती है। यानी 15 से अगर मैं उसको 17% कर दूं तो 17% क्या होगा, तब भी आग नहीं लगेगी क्योंकि गैस वहाँ पे ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन कम होगी। तो इसको ही हम LEL UEL बोलते हैं। LEL लो एक्सपोजर लिमिट और UEL अपर एक्सपोजर लिमिट। जो किसी गैस और वेपर्स निकलते हैं तो उससे हम कंडक्ट करते हैं या उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि उसकी लो एक्सपोजर लिमिट क्या है या अपर एक्सपोजर लिमिट क्या है। वो फ्लेमेबल गैसें होती हैं, जैसे मीथेन गैस फ्लेमेबल गैस है, तो इसके लिए हम LEL और UEL का इस्तेमाल करते हैं। तो LEL के बारे में मैंने आपको बताया, लो एक्सपोजर लिमिट और अपर एक्सपोजर लिमिट, ये 5-15% होती है, 5-15% होती है, 5% LEL है और UEL 15% है। यानी हमारे एनवायरनमेंट में 5% से कम होगी तब भी आग नहीं लगेगी और 15% से ज़्यादा होगी तब भी आग नहीं लगेगी। 5% होगी तो क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ज़्यादा होगी इसलिए नहीं लगेगी, और 15% से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, गैस की मात्रा ज़्यादा होगी इसलिए नहीं लगेगी। तो अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।